लगता है द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के मेकर्स ने पूरा मूड बना लिया है। अपने क्रेजी लॉयल फैंस और ऑडियंस को गर्म तवे पर बिठाकर सबर के बांध को तोड़ती हुई जोरदार तरीके से तड़पाने का, क्योंकि सलार मूवी का कोई भी फ्रीकिंग मर्सीलेस ट्रेलर तो दूर की बात है, सिंगल टीजर भी अभी तक आउट नहीं हुआ। बट साथ ही में दिलो दिमाग को 440 वोल्ट का ऑर्गेज्म देने वाली बात यह है कि टंकी के मेकर्स फिल्म को बचाने के लिए मूवी के रिलीज डेट को डबल गेम खेलते हुए प्रीपोन कर लिया है। अब देखो सीधे मुद्दे पे आते हुए, सलार मूवी की मोस्ट अवेटिंग ट्रेलर की बात करूँ तो 23 अक्टूबर को पूरा इंडिया गॉडजिला लेवल की एक्सपेक्टेशन रखकर बैठा हुआ था कि कहीं ना कहीं सलार के मेकर्स ऑडियंस को तगड़ा गिफ्ट देते हुए सलार सीज फायर पार्ट 1 का कोई टीवी स्पॉट, टीजर, ग्लिम्स, सिंगल सॉन्ग, कुछ नहीं तो सलार मूवी का ब्रांड न्यू मोशन पोस्टर ही दिखा देते। बट लगता है विजनरी प्रशांत नील को अपने मासिक क्लासिक कॉन्टेंट को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि बंदा डैम श्योर है कि जब भी वो द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी का आर रेटेड टीजर या ट्रेलर आउट करेगा तब पब्लिक टोटली पागल हो जाएगी। और वैसे भी इंडिया के पॉप कल्चर में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी हार्डकोर सुपरस्टार की मासी मूवी का ट्रेलर मूवी रिलीज होने के एक दो हफ्ते पहले ही आउट किया जाता है, ताकि ऑडियंस और फैंस के बीच में वो क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और थंडरस लेवल का बज हाइप बना रहे। और देखा जाए तो 2023 में ये बॉम्ब्लास्टिक ट्रिक बहुत ही ज्यादा विस्फोटक तरीके से वर्क कर रही है, जिसका भौकाल से भरा अल्टीमेट क्रेजी इंस्टेंट रिजल्ट स्मैशी वे में ये निकल के आया है कि सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी डंकी अपने आप को इस जायंट क्लैश से बचाने के लिए मूवी को डबल गेम खेलते हुए प्रीपोन कर दिया है, ताकि डंकी मूवी को छप्पड़ फाड़ लेवल की बम्पर ओपनिंग मिल सके। जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि डंकी के मेकर्स को भी पता है अगर उनकी मूवी डायनासोर सलार के साथ 250 किलो का क्लैश करती है तब तो डेफिनेटली शाहरुख खान की डंकी बॉक्स ऑफिस का मंकी बन के रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शाहरुख खान की डंकी को ऑफिशियली इतना ज्यादा तगड़े लेवल का कमर्शियल लॉस होगा बॉक्स ऑफिस पर कि डंकी मूवी की ब्लडी स्वीट चटनी बन के रह जाएगी। बट वो कहते हैं ना, बाप बाप ही होता है, भले ही एक ही दिन के लिए क्यों ना हो। डंकी के मेकर्स ने रिलीज डेट को प्रीपोन करते हुए इस चीज को बहुत ही जोरदार तरीके से वेरीफाई कर दिया है कि वो इस जुरासिक वर्ल्ड के डायनासोर के साथ क्लैश नहीं कर सकते। बट घुमा फिरा के मुद्दे की बात ये है, जिस रेबल प्रभास की बैडएस मूवी सलार के एक झलक को देखने के लिए इंडिया का हर लौंडा अपने आंखों को फाड़ते हुए वेट कर रहा है, उस डेडली किलर सलार मूवी का पंपी ट्रेलर आउट कब होगा। वैसे तो फिर से पॉप कल्चर की झूठी बेवफा गलियों में फिर से ऑडियंस और फैंस के नर्डी फीलिंग्स के साथ खेलते हुए पॉजिटिवली जोरदार तरीके से इन रूमर्स को बहुत ही तगड़े तरीके से फैलाई जा रहे कि मे बी नॉट इन नर्ड्स नवंबर के एंड तक सलार मूवी का रॉ सैवेज ब्रूटल इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म को चीर के फाड़ के रखने वाला ट्रेलर प्रोबेबली बॉम्ब्लास्टिक वे में आउट हो सकता है। पर तब तक कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए हम सुपर फैंस को किसी रूमर्स के बहकावे में ना आते हुए अल्टीमेटली सलार के टीजर, ट्रेलर या सॉन्ग के आउट होने का वेट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ना रेवल प्रभास की सलार मूवी ये बात डिजर्व भी करती है, क्योंकि आखिर ये बात सभी को पता है 2023 की ये बैडएस मूवी साल नहीं सलार है। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जाति बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।